हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ नारियल की सूखी चटनी। इडली सांभर के साथ ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही अच्छा है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाते हैं चटनी को। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ नारियल, 2 छोटा प्याज, 9 स्वाद अनुसार, 5-6 करी पत्ता। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंड में डाल देंगे। पहले नारियल डाल देंगे, तो मैंने यहाँ डाल दिया छोटा प्याज और नारियल। हरी मिर्ची को काट लें, काट के ही डालें, अच्छा रहता है, उससे अच्छी महीन तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। करी पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, और इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरीके से इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ग्राइंड हो चुका है, इसे मैंने अच्छी तरीके से एकदम महीन करके पीसा है। आप इसको एकदम महीन करके पीसें तभी ये अच्छा लगता है। इडली सांभर के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें इसे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि चटनी कैसा बना है। तो चटनी बनकर यहाँ तैयार है, आप इसे इडली सांभर के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। अगर मेरा चटनी वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें लोगों के साथ। तो देखिए गाइस, यहाँ चटनी कितना अच्छा बन के तैयार है, आप इसे एक बार ट्राई करें। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं सांभर चावल के साथ।